या स्कूल में छोटे छोटे से फंक्शन जो होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? और बहुत सारे बच्चों ने, इसमें से सिर्फ 5% बच्चे हैं जिन्होंने मतलब आगे चल के जिनको फायदा होगा, बाकी 95 को नहीं होगा। जिन जिन बच्चों ने स्लिप रखी थी यहाँ पे स्टेज पे, वो आज के डिबेट कॉम्पिटिशन से बाहर थे, क्योंकि आप डिबेट कॉम्पिटिशन में नहीं थे, आप रीडिंग कॉम्पिटिशन में थे। आप कुछ नहीं, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे थे। वो जो दिशा और वो सोनाली, ये दो बच्चे आए थे, इन्होंने बिना देखे बोला था, आपने गौर किया कितना अच्छा नेचुरल लग रहा था, आपको भी अच्छा लग रहा होगा सुनने में। ये बेटा आपके बहुत सारी जो चीजें हैं जो उसमें निखार पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, आपको जॉब के लिए जाओगे, वहां पे आपको स्टेज पे तुम माइक दे देंगे, बोलेंगे भैया हमारी कंपनी के बारे में, फलाने फलाने चीज के बारे में आप दो शब्द बोलो। तो एट दैट टाइम अगर आपने ये सब चीज नहीं किया कंडक्ट, तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ दैट टॉपिक व्हिच व्हाट एवर विल बी गिवन, एक सेंटेंस नहीं बोल पाओगे। यदि आपने आज उस स्टेज फियर का मुकाबला यहां कर लिया है तो आप कब कपाओगे नहीं, अदरवाइज यू विल स्टार्ट स्विमिंग ऑन द स्टेज, कप कपाने लगोगे वहां। ऐसे ऐसे मैंने देखा हूं, भी कप कपाते देखा हूं, मैडम लोग भी घबरा जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो हैबिचुअल नहीं है। आज प्राची मैम बोल रही, देखो विदाउट एनी फियर बोल रही है, रजिया मैम बोलती विदाउट एनी फियर बोलती, क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत सालों से स्टेज का मतलब स्टेज पे बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ सालों से हम लोग बोल रहे हैं, तो स्टेज फियर निकल गया। तो यही स्टेज फियर निकालने के लिए यहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन होता है। और दूसरा कि आपको भविष्य में बोलते हो आप नेता बन जाओगे, तुम कैसे बोलोगे, बोलते बनना चाहिए ना। तो यदि आपने ये चीज को बचपन में फेस कर लिया था, काय का डर है ना, कंपनी वाले भी आपको ऐसे ही देते, आपको परसेंटेज का दौर चला गया है आज के दौर में, समझ ले बात, बहुत अच्छे दिमाग में डाल देते। मैं भी अगर मान लो अंबानी होता, आपको अगर नौकरी पे रखता, तो मैं तुम्हारी मार्कशीट को एक तरफ रखता, मैं बोलता मेरी कंपनी में इन क्वालिटीज की जरूरत है, यदि तुम्हारे पास है, इफ यू आर हैविंग दोस क्वालिटीज, तो यू विल डेफिनेटली करता जाओ, अदरवाइज बाय बाय टाटा सी यू, आपको फोन करके बताएंगे। फोन करके बताएंगे का मतलब आप रिजेक्टेड, समझ गया ना बात को। इसीलिए ये सारे कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं ताकि आप में जो छुपी हुई प्रतिभा है वो निकले। आपको आधा बोल रहे, नायला कितना डरी थी, कितना घबरा रही थी, उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन उस लड़की ने आज जो यहाँ पे डर का जो सामना किया है, वो उसको जीवन में जरूर डेफिनेटली वन डे शी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्टेज, एक ना एक दिन फायदा मिलेगा। और जिन लोगों ने मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने हंसा है यहाँ पे, उसका नुकसान भी उनको एक दिन होगा। याद रखना, जिस दिन तुमको स्टेज मिलेगा तो सीधे तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब फिर बोलोगे अरे यार मम्मी मेरी तो जॉब नहीं लगी, साला पैसा चल गया, साला रिश्वत चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आज का दौर टैलेंट का है, टैलेंट का, समझ गए ना, वो गया जमाना परसेंटेज का, रिश्वत का। अब टैलेंट देखती कंपनी वाले सब, अगर टैलेंटेड हो तुमसे मेरी कंपनी को फायदा तो मैं तुमको रखूंगा, ये मेकअप वेकअप को नहीं रखूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा मेरे बैंक को, मेरी कंपनी को, समझ गए ना, टैलेंट का दौर है। तो इसी टैलेंट को निखारने के लिए, बाहर लाने के लिए ये सारे छोटे छोटे से कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब करना क्या है आपको, जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है तो पहले आप उसको वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ, अदरवाइज डू नॉट कम टू द स्टेज। अपनी इंसल्ट कराने, अपने बेइज्जती कराने नहीं आया करो। अगर आपको टॉपिक मिला ना, एक घंटा सफिशियंट होता, आपको 30 घंटे मिले थे, यदि कल आपको मिला 30 घंटे से ज्यादा ही मिले थे, परसों जब भी मिला होगा है ना, टॉपिक मिला था, मैम लोगों ने टॉपिक दिए, आप उसको चाहते तो रिहर्सल कर सकते थे, छत के ऊपर जाओ, बंद कमरे में जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, बोलने की आदत डाल लो। ये दो बच्चियों ने कैसे बोला, पागल है क्या, छोटी छोटी सी लड़की है, 6th 7th क्लास की, और 9th क्लास के बच्चे देख देख के पढ़ लेते। लेकिन वो हारे नहीं है, वो लूजर नहीं है, याद रखना। यदि उनने देख के भी बोला है, देख के भी पढ़ा है, तो दे आर नॉट द लूजर, वन डे डेफिनेटली उनको फायदा होने वाला है, मतलब होगा। आज यहाँ पे वो डर रहे, देख के रीडिंग कर रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आज यहाँ पे नंबर नहीं लगता, लेकिन उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो कोई भी चीज को बिफोर स्टेज पे आने के पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है, एक तो अपनी स्क्रिप्ट को बढ़िया, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, आप कैसा बोल रहे हो, देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आंखें बोल रही, मेरी हाथ बोल रहा, मेरी गर्दन कैसे हाव हाव आ रहे ना एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस स्पीच, यानी नेचुरल तरीका। आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल फील करके बोलो, उसको खूब सारा बोलने की जरूरत नहीं है,
स्टाइल टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 52 अगस्त, ये क्या है? स्टाइल मारने से कुछ नहीं होता, स्टाइल नहीं मारने का, नेचुरल तरीका होना चाहिए बात का। आप जो बोल रहे हो आपका चेहरा वही बोलना चाहिए। यदि आप प्यार से बोल रहे तो चेहरे में प्यार होना चाहिए, यदि आप गुस्से में बोल रहे तो चेहरे में गुस्सा होना चाहिए। समझ गया बात? तरीका और एक प्रैक्टिस है, ये दो काम कर लेना कभी भी स्टेज में आने के पहले, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।